हेलो फ्रेंड्स, सो मैं हूँ स्वप्निल। आप देख रहे हैं श्वेतोपीडिया और एक्चुअली मैं श्वेता का छोटा भाई हूँ। तो आज मैं दद्दूस किचन में फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ये चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। सो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ वो सिल्वर पॉम्फ्रेट फिश टिक्का बना रहा हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दैट वीडियो एंड चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट अभी चालू करते हैं। तो पहले एक यूटेंसिल लेना है, यूटेंसिल को प्रॉपर वॉश कर लीजिए। देन उसके बाद पॉम्फ्रेट जो पीसेस लेके आए हैं उसको आपको प्रॉपरली रिंस करना है। सो आज जो मैंने लाया है वो सिल्वर पॉम्फ्रेट है, उसके मैंने 4 पीस लेके आया है, अप्रॉक्सीमेट 1/2 kg के आसपास। सो गाइस, फर्स्ट पहले अपन ये देखेंगे कि सिल्वर पॉम्फ्रेट लेने से पहले जो सिल्वर पॉम्फ्रेट अपन जो फिश टिक्का बनाते हैं उसके लिए आपको ये करना रहेगा कि जैसे आप ये फिश लेंगे तो आप उसमें ये ऐसे स्लाइसेस मारने लगा दीजिए आपके जो भी फिश शॉप से आप परचेज कर रहे हैं उसको। तो इसमें ताकि अपन जब जो भी मसाला अगर इसमें फिल करेंगे तो प्रॉपरली फ्लश अंदर तक के मसाला जाएगा उसको। जैसे आप ये देख सकते हैं स्लिट्स, ये वैसे सारे के सारे पीसेस में वैसे ही पीसेस लगे हुए हैं। तो चलिए अब ये पीसेस को अच्छे से रिंस करते हैं। अब ये चीज और ध्यान में रखिए कि इसका अंदर का जो भी एरिया है वो अच्छे से क्लीन कर ले। इसको एक बार प्रॉपर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इन्हें पूरे फिशेस अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। सो अब जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनको स्टिंग आता है इसमें से, बहुत गंदा स्मेल आता है फिशेस से, तो उस चीज़ के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जो लेमन जूस होता है वो आप डायरेक्टली उसमें पोर कर दीजिए। ऐसे तो जैसे आपने लेमन जूस पोर कर दिया है उसमें हल्का सा पानी मिक्स कर दीजिए। अच्छे से उसको रिंस कर लीजिए। इसके बाद में एक नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए सबको। सो मैरिनेशन का फर्स्ट स्टेप है, आपको एक बाउल में छोटा सा थोड़ा सा आपको लेमन जूस फिर से लेना है और उसमें सॉल्ट ऐड करना है और उसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसे स्टेयर कर लीजिए। स्टेयर करने के बाद आपको करना ये है कि जितने भी इसमें जैसे इसमें स्लाइसेस दिख रहे हैं वो स्लाइसेस में प्रॉपर ये जूस को रब करना है ताकि जितना भी सॉल्ट है उसमें अंदर अच्छे से चले जाए। Thank you.
भी इसके ऊपर भी अप्लाई करके होगा। तो अभी अपने चारों पीसेस रेडी हो चुके हैं, तो इसको जैसे आप देख सकते हैं कि सारे चारों पीसेस रेडी हो चुके हैं, तो उसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो गाइस मैरिनेशन का प्रोसेस अब चालू करते हैं। तो पहले चालू करने से पहले आपको वापस एक बार रिमाइंड करता हूँ कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ या जो भी मैं क्वांटिटी बताऊँगा, ये 500 ग्राम्स के लिए है। 500 ग्राम्स का जो सिल्वर पॉम्फ्रेट है वो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको लेना है एक बाउल, क्लीन बाउल। उसमें आपको एक टीस्पून आपको जीरा पाउडर लेना है, देन एक टीस्पून अजवाइन पाउडर लेना है, देन एक टीस्पून रेड चिली पाउडर लेना है। एंड कलर के लिए हम लोग एक्चुअली फूड कलर यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो कलर के लिए हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने वाले हैं, हाफ टी स्पून था वो। देन 1/4 हल्दी पाउडर, देन हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon लेमन जूस। देन इसका जो फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है फिश टिक्का मसाला, तो ये करीबन 1.5 चम्मच लगेगा। ये एक यानी हाफ, एंड देन नमक स्वाद अनुसार। अब इसको प्रॉपरली हमने मिक्स करना है इसको। ऐसे इसको मिक्स करते रहेंगे तो आपको इसका प्रॉपर अरोमा आएगा और आपको पता चलेगा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर रेशियो में मिक्स हुए हैं कि नहीं। और जैसे मुझे अभी ये जैसे अरोमा इसका प्रॉपर आ रहा है, तो इसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छी तरीके से प्रोपोर्शन में आए हैं, वो प्रॉपर रेशियो में बैठा है। जैसे आप देख सकते हैं ये हल्का सा थिक हो चुका है ये, एंड अब ये जो थिकनेस है इसमें थोड़ा सा लाइट करने के लिए आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालना है जस्ट। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पेस्ट रेडी हो चुका है। अब ये फिशेस के पीसेस में लगाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा पेस्ट रेडी है, फिशेस भी धुल के रेडी है पूरी पूरी तरीके से, तो चलिए अब ये जो पेस्ट है अभी ये इसमें अप्लाई करना चालू करते हैं फिशेस में। तो आप अपना हाथ का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छी तरीके से लगेगा। तो आपने थोड़ा सा ऐसा पेस्ट लेना है, ये फिश लेना है, एंड फिश के जो स्लाइसेस है इसमें इसमें प्रॉपर तरीके से आपको इसमें फिलिंग करना है ताकि मसाला अंदर अच्छे से जाए इसमें। इवन इसके अंदर में भी आपको फिल करना है ताकि उसके स्टमक एरिया जो रहता है उसमें भी आपको प्रॉपरली लगाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं चारों के चारों पीसेस अब रेडी हो चुके हैं। थोड़ा आप उसमें एक्स्ट्रा अप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप उसमें ऐसा लगा के आप रख सकते हैं उसमें। अगर आपके पास में ऐसा एक्स्ट्रा पीस बचा है तो डेफिनेटली उसमें ऊपर से आप थोड़ा लगा सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें जो अंदर की जो स्टफिंग है वो पूरी अंदर भर दीजिए, इसमें जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है तो स्टफिंग उसमें अंदर भर दीजिए।
मैरिनेशन के लिए पूरे फिशेस रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको मैरिनेट करते हैं 45 मिनट्स के लिए। मैरिनेशन में रखने के टाइम आप ये जो प्लेट है, प्लेट में इसको आप प्रॉपरली ऐसे ढक के रख दीजिए 45 मिनट्स के लिए। सो गाइज 45 मिनट या एक्चुअली एक घंटा हो चुका है मैरिनेशन को, तो लेट्स सी कैसे मैरिनेट हुआ है। वाओ, सो अब मैरिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें प्रॉपर तरीके से मसाला भी आ गया है, तो अब हम नॉन स्टिक पैन यूज़ करने वाले हैं इसको टिक्का बनाने के लिए। ये है हमारा नॉन स्टिक पैन, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर रख दीजिए। जस्ट मेक श्योर कि आपका वो पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो गाइस पैन अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अभी फिशेस को डालना चालू करते हैं। सो गाइस अभी जस्ट 5 मिनट हुआ है, तो अभी देखते हैं अंदर कैसा हो। तो अब देख सकते हैं इसमें काफ़ी तेल निकला है, तो इसको जस्ट चेक करते हैं, पलटा के देखते हैं। Let's take a sneak peek. Wow. So guys, अभी इसको ये लगभग अभी पीसेस रेडी हो चुके हैं, तो अब इनको एक फायरी टेस्ट देने के लिए या स्मोकी टेस्ट देने के लिए अब मैं एक चीज करने वाला हूँ, वो ये आप देखिए कि ये पैन को मैं अभी ये बर्नर में शिफ्ट करूंगा। अब जो पीसेस है, ये पीसेस को अब मैं इसके ऊपर रोस्ट करूँगा। रोस्ट करने से पहले झारे में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, ये लग गया तेल। अब वो पीस को उठा के इसमें डाल दीजिए। तो गाइस ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। आई नो ये थोड़ा होटल जैसा प्रेजेंटेबल नहीं है, बट येस घर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है एंड टेस्ट सेम है एकदम। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने ये पूरा एंड तक देखा एंड आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।